सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज को जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले को भी 8 रनों के छोटे अंतर से जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज में 2-0 की विजय बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 8 मार्च को महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खेला जाएगा, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि वह तीसरे वनडे मुकाबले को भी जीतकर इस सीरीज में फतेह हासिल कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि वह इस सीरीज में अपनी पहली जीत को हासिल कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास यह आखिरी मौका होगा कि वह इस सीरीज में अपनी वापसी कर सके, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में हारती है तो वह इस वनडे सीरीज से तो हाथ धो ही देगी, साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के पास मौका रहेगा कि वह सीरीज को क्लीन स्वीप से अपने नाम कर सके। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी इस बार पूरा जोर लगा देंगे ताकि वह भारतीय क्रिकेट टीम को किसी भी कीमत पर हरा सके। साथ ही क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी व कप्तान कोहली भी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में अपनी वापसी करने की फिराक से ही तीसरे वनडे मुकाबले में उतरेगी, तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को भी अपनी बची कुची गलतियों पर काम करना होगा ताकि वह तीसरे वनडे में उन गलतियों को ना दोहराएं। दोस्तों, भले ही भारतीय क्रिकेट टीम पिछले 2 वनडे मुकाबलों में जीतती आ रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी क्रम उतना मजबूत नहीं रहा और दोनों ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेहद ही कम लक्ष्य मिला है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम में 3 बड़े बदलाव होने तो संभव है। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव भारतीय क्रिकेट टीम में हो सकता है शिखर धवन के रूप में। शिखर धवन लगातार खराब फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही T20 सीरीज में भी मौका मिलने पर वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में फिलहाल के समय में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे KL राहुल को कप्तान कोहली जरूर एक मौका देना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अंबती रायडू भी अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषभ पंत, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है, तो शायद तीसरे वनडे मुकाबले में वह आपको भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर में जरूर खेलते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव रहेगा भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर। वैसे तो मोहम्मद शमी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इस सीरीज को फतेह पानी है तो भारतीय क्रिकेट टीम को भुवनेश्वर कुमार को टीम में वापस से लाना होगा। वैसे भी आप सभी को बता दें कि इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही भुवनेश्वर कुमार का चयन इस सीरीज के तीसरे वनडे से भारतीय टीम में किया जा चुका था। लेकिन दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए आप सभी को भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ मुख्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यह बदलाव भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों को लेकर किए जाएंगे जो कि भारतीय टीम से काफी लंबे अरसे से बाहर चल रहे हैं और उन्हें भारतीय टीम में खेलता हुआ देखने के लिए दर्शकों की तो आंखें ही तरस गई हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम में फिलहाल इस समय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अंबती रायडू कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखा पा रहे, तो ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए BCCI के चयनकर्ता ऋषभ पंत को एक मौका जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत एक तूफानी बल्लेबाज तो है ही, साथ ही वह भारतीय टीम में होकर भी फिलहाल भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अंबती रायडू को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, परंतु उनके लगातार फ्लॉप प्रदर्शन को देखते हुए अब भारतीय टीम के चयनकर्ता या फिर कप्तान विराट कोहली खुद ही ऋषभ पंत को मौका देना जरूरी समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम लगभग इस सीरीज को जीत ही चुकी है और वह तीसरे वनडे मैच में ऋषभ पंत को तो जरूर खिला ही सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारतीय क्रिकेट टीम में 2 बड़े खिलाड़ियों को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि सुरेश रैना और युवराज सिंह हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुरेश रैना और युवराज सिंह काफी लंबे अरसे से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि जब कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धुआंधार खिलाड़ियों की बात करी जाती है तो उस सूची में इन दोनों ही खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर आता है, परंतु खराब फिटनेस फॉर्म का हवाला देते हुए BCCI के चयनकर्ताओं ने इन दोनों खिलाड़ियों को लंबे अरसे से कोई मौका नहीं दिया। लेकिन आप सभी को यह जान के बेहद ही खुशी होगी कि हाल ही में युवराज सिंह और सुरेश रैना ने घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया है। युवराज सिंह ने जहां हाल ही में पंजाब की टीम की तरफ से सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, तो वहीं सुरेश रैना ने भी यूपी की टीम की तरफ से हैदराबाद की टीम के खिलाफ 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर BCCI के होश ही उड़ा दिए थे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की टीम में वापसी होगी या फिर नहीं, अब क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले यह भारतीय क्रिकेट टीम की आखिरी वनडे सीरीज है, तो ऐसे में अगर इन दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए रवाना होना है तो BCCI के चयनकर्ता इन दोनों ही खिलाड़ियों को तीसरे वनडे में खेलने का मौका जरूर देना चाहेंगे, और अब क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की फिटनेस फॉर्म व प्रदर्शन भी पहले से बेहतर हो गया है तो इनको मौका दिया जाना तो बनता भी है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या तीसरे वनडे मुकाबले में BCCI के चयनकर्ताओं
खिलाड़ियों को सुरेश रैना और युवराज सिंह को टीम में जगह देनी चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि इन तीन बड़े बदलावों के साथ तीसरे वनडे मुकाबले के लिए क्या होगी भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11। तो इस बार आपको भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे केएल राहुल व रोहित शर्मा। इसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखेंगे कप्तान विराट कोहली, केदार जाधव, ऋषभ पंत व महेंद्र सिंह धोनी। साथ ही टीम में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर रहेंगे विजय शंकर व रविंद्र जडेजा। टीम में एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर होंगे कुलदीप यादव। लेकिन अब बदलावों के बाद भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के अनुभवी हाथों में। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले के लिए बड़े बदलावों के साथ कुछ इस तरीके से होगी भारतीय क्रिकेट टीम। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।